सो हेलो माई बिटिफुल सोल्स वेलकम टू माई चैनल पीपल टैरो सो गाइज कैसे हो आप सब लोग आई होप आप सब लोग अच्छे अगर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हो गए सो गाइस आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आ गई हूँ लाइक आपने जो पोल्स में मैंने डाला था तीन ऑप्शन दो की रीडिंग हो चुकी है ठीक है एंड थर्ड ये थी हु इज़ कमिंग योर लाइफ सो गाइस कौन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में अभी आ रहे हैं ठीक है ठीके? ये आ सकते हैं इस टाइम में मतलब नेक्स्ट टेन फिफ्टीन डेज में ठीक है कौन आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ दिख रहा है सो so, आपके सामने गाइज आपकी डेट ऑफ बर्थ है ठीक है फर्स्ट फाइल अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें से आती है देख लीजिए आप तो आप इस फाइल को चूज कर सकते हो पिक कर सकते हो कि यहाँ गाइज अगर आप इंटेटिवली पिक करना चाहते हो तो आप वुमेन होल्डिंग क्वाइन कार्ड को पिक कर सकते हो कि सो आपके लिए सेकेंड ऑप्शन होगी सो आपके सामने है डेट ऑफ बर्थ और आपकी ऑप्शन सो so, आप चूज कर सकते हो पिक कर सकते हो कुछ भी जो आपकी विश हो ठीक है सो सेकेंड पायल अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ पहले तो ये आती है देख लीजिए आप इनमें से अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आपने सेकेंड पायल पिक करनी है यहाँ गाइज अगर आप एन कार्ड को पिक करना चाहते हो तो आप सेकेंड पायल पिक कर लीजिए ठीक है बिना कुछ सोचे समझे एंड टाइम्स टाइम्स गाइज डिस्क्रिप्शन में होंगी आप वहाँ से जाकर देख सकते हो अपने लिए कि आपको जो भी आपने ऑप्शन चूज़ की है ठीक है एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो गाइस एंड आल्सो अगर आपने रीडिंग लेनी है पर्सनल सो गाइस आप डीएम कर सकते हो वहाँ पे यहाँ गाइस आप मुझे यहाँ पे भी बोल सकते हो तो मैं यहाँ पे भी बता दूँगी अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो के एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू हो चैनल पे तो एंड आल्सो लाइक कर दीजिए रीडिंग को देखने के बाद लाइक करना ओके अगर आपकी विश हो उसके बाद ठीक है एंड अगर आपकी विश हो तभी फॉलो करना वहां पे भी ठीक है यहाँ पे भी तभी सब्सक्राइब करना बिकॉज फोर्स नहीं करना चाहिए किसी को आपके विषय सो फर्स्ट पाइल देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है कौन आ रहा है आपकी लाइफ में हु इज कमिंग इन योर लाइफ ओके अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का इसमें से आती है फर्स्ट पायल में और गाइज आपने वुमेन होल्डिंग अ कॉइन कार्ड को पिक किया है सो so गाइज देख लेते हैं कौन आ रहा है आपकी लाइफ में सो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है जो भी ये पर्सन है फैमलाइनर्जिस दिख रही हैं ओके okay? या इसको किंग ऑफ पेंटिकल्स मैन होल्डिंग अ क्वाइन भी आप मान सकते हो अगर आप गर्ल हो तो आप बॉय के लिए ठीक है एंड जो भी ये पर्सन आ रहे हैं बहुत ही अच्छी फैमिली से दिख रहे हैं ठीक है अबंडेंट फैमिली से दिख रहे हैं इंडिपेंडेंट हैं गाइज़ एंड ऑल्सो इनको अपनी वर्थ पता है कि ये इनकी क्या वर्थ है अपनी लाइफ में एंड इसके ऊपर हर टाइम काम करते हैं अपने वर्थ को बढ़ाने के लिए ठीक है अपने लाइक अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए भी वर्क करते रहते हैं अपने लिए इंट्यूटिव हो सकते हैं गाइज़ जो भी ये पर्सन है इंट्यूशन इनकी हाई होगी ओके इनके पास ब्लैक कैट या डॉग हो सकता है ओके इनका ब्लैक कलर पर्पल कलर या वाइट कलर फेवरेट हो सकता है या रेड कलर ओके सो यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी या ग्राउंडेड एनर्जीज दिख रही हैं आपके पर्सन की एंड ऑल्सो टॉरस हो गए कैप्रिकॉन साइन के हो सकते हैं आपके पर्सन फोर्टी टू एज इनकी हो सकती है यहाँ गाइज आपकी एज फोर्टी टू हो सकती है ट्वेंटी फोर हो सकती है ओके एंड ऑल्सो सिक्स नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है या जून का मंथ एंड ऑल्सो गाइज जून का मंथ इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो फेबर एंड अप्रैल का मंथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है टू फोर एंड सिक्स डेट ऑफ बर्थ भी इंपॉर्टेंट हो सकती है ओके एंड टॉरस हो गए कैप्रिकॉन साइन या ये पर्सन हो सकते हैं साइन के या आप हो सकते हो तो आपके लिए रीडिंग है सो so, यहां से देख लेते हैं गाइस चारों से ओके टू ऑफ स्वॉर्ड्स सो फर्स्ट कार्ड है टू ऑफ स्वॉर्ड्स का स्ट्रेंथ कार्ड इज हियर फोर ऑफ नाइस ओके कौन आ रहा है आपकी लाइफ में हु इज कमिंग इन योर लाइफ ये आपके एक्स हो सकते हैं नेक्स्ट हो सकते हैं ओके यहाँ गाइस ये आपके न्यू जीएफपीएफ हो सकते हैं या ओल्ड जीएफपीएफ हो सकते हैं कोई भी हो सकता है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ओके ओके गाइस जस्टिस ओके सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स ओके गाइस और क्या आ रहा है आपके लिए देखते हैं जजमेंट ओके गाइज सजिटेरियस साइन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है साइन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू पेज ऑफ पेंटिकल क्या आ रहा है आपके लिए? Wow. End, guys. Marriage दिख रही है यहाँ पे पहली बात ओके okay, आपके लिए मिडल ऑफ ओके वाओ गाइज मिडल के stand of cups के कार्ड है वाओ गाइज ऑसम सो गाइज देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है ठीक है सो so गाइज़ यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे गाइज़ पहली बात तो मुझे मैरिज दिख रही है जो भी पर्सन है ये उससे आपकी फ्यूचर में मैरिज होने वाली है या फिर गाइज़ इस रिश्ते में आपको उलझन में रखा है इस रिश्ते में इस पर्सन ने आपको उलझन में रखा है आपको मैरिज का भरोसा दिलाया एंड मैरिज तक नहीं गया है ये पर्सन ठीक है मैरिज मतलब या तो इसने फैमिली से बात भी करवाई है अपनी ठीक है एंड आपकी भी फ़ैमिली से बात हो चुकी थी बट इसने या तो कोई ना कोई धोखा दे दिया है आपको ठीक है ये हो सकता है ये वो पर्सन या गाइज आप लोग मैरिड हो तो गाइज़ आपके लिए ये सिचुएशन है कि आपको इस आप मैरिड थे इस पर्सन के साथ आपकी फ़ैमिली चल रही है और ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है जिसने आपको धोखा दिया है ठीक है आपके हस्बैंड हो सकते हैं या कुछ भी ठीक है बिकॉज बहुत सारी सिचुएशंस आजकल चल रही हैं दुनिया में कि हस्बेंड्स भी अपनी वाइफ्स को धोखा दे रहे हैं ठीक है सो ऑफ कोर्स ये भी सिचुएशन हो सकती है मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहती हूँ गाइज ओके बट यहाँ पे अगर डिवोर्स तक बात गई है और धोखा गया बिकॉज यहाँ पे जस्टिस भी आया है डिवोर्स uh, तक बात होकर आगे आई है ठीक है इस पर्सन ने आपकी तरफ कदम बढ़ाने हैं अभी ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन आपको कोई ना कोई ऑफर देने आ सकते हैं ठीक है थीके? फिर से मैरिज की कि येस yes, हम नहीं तोड़ेंगे इस रिश्ते को डिवोर्स नहीं करना चाहते ये आपके साथ ओके okay? बिकॉज़ यहाँ पे जजमेंट होते हुए दिख रही है ओके यूनिवर्स की तरफ से यहाँ गाइज़ अगर आप सिंगल हो तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके लिए वो पर्सन आ रहे हैं सॉरी आपके लिए गाइस सबसे पहली बात आप किसी रिश्ते में हो अभी ठीक है उस रिश्ते में आप कंफ्यूजन में हो कि आपको पता नहीं चल रहा कि ये रिश्ते में मैं आगे बढ़ पाऊंगी या नहीं आपने शादी की कस्बें खा रखी हैं उस पर्सन के साथ एंड उसने भी खा रखे हैं बट उसने कोई ना कोई धोखा दिया है आपको ठीक है कोई ना कोई थर्ड पार्टी में आपको डाला है ओके बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अभी आप दोनों के रिश्ते में आगे बढ़ते हुए दिख रहा है ये रिश्ता शादी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है ओके बस थोड़ा धोखे से बच के रहना ठीक है हर एक बात को कान खोल कर सुनना ओके okay? उस पर्सन की एंड अपनी भी सुनाना बिकॉज यहाँ पे गाइस ये देख लीजिए टेन ऑफ कप्स टू ऑफ कप्स ठीक है ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए ऑफ़ कोर्स तो ऑफ़ कोर्स गाइस यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी ये पर्सन है ठीक है ये आपके लिए लड़ने के लिए रेडी हैं आप जो भी ये पर्सन आ रहे हैं अगर आप सिंगल्स हो ठीक है ये पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं आपको पास में अगर कोई धोखा मिला तो इट्स ओके बट अभी अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहे हैं ठीक है थीके? जो आपको फैमिली बनाना चाहते हैं तो आप नहीं ठीक है टेन ऑफ कप्स का कार्ड है ऑफ कोर्स तो आपसे शादी करने तक सोच रहे हैं ये टू ऑफ कप से सोलमेट रिलेशनशिप दिख रहा है यहाँ पे सोलमेट एंड ट्वेंटफिल्म ये दोनों में से कोई एक रिश्ता हो सकता है ये ट्वेंटफिल्म भी हो सकता है बिकॉज यहाँ पे इलेवन इलेवन आ चुका है या फिर गाइज़ आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है अपने ली ओ के कि ये पर्सन ऐसे ऐसे इसके करैक्टिस्टिक्स होने चाहिए ऐसे ऐसे थ्रेट्स होने चाहिए देन मैं शादी करूँगी सो so आपकी जो विशेज़ थी वो फुलफ़िल की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है गाइज आप लोगों को के एंड हेरोफ्रेंड कार्ड है गाइज़ तो कोर्स आपके जो ये पर्सन है आपके साथ गाइज़ मैरिज देख रहे हैं ये पर्सन टीचर हो सकते हैं या आप लोग टीचर हो ठीक है ये पर्सन कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं ट्रेडिशनल फैमिली से हो सकते हैं ठीक है थीके? या आपके साथ भी ये मैच कर सकती है ओके okay? ये एनर्जीज बिकॉज ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ हैं ओके हैरोफ्रेंट है तो दोनों में से किसी की एनर्जीज हो सकती है या फिर दोनों की ही हो ये एंड यहाँ पर ट्रेडिशनल फैमिली दिख रही है ठीक है ये भी दिख रहा है कि आप या ये पर्सन ये पर्सन आपके गुरु बन सकते हैं इन द फ्यूचर या फिर गाइस आप इसके गुरु बन सकते हो लाइक इनके जो भी आपके फ्यूचर पोज लाइक गुरु कैसे होता है लाइक जो हमें कुछ सिखाए ठीक है थीके? वो हमारा एक तरह से गुरु होता है लाइक हम अपने ट्यूशन टीचर भी सोच लीजिए वो भी हमारे एक तरह से गुरु हैं बिकॉज वो भी हमें स्टडी करवा रहे हो ओके एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है ऑफकोर्स आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आ रहे हैं उनको क्लियर उनकी या तो मदर उनको बहुत इफेक्ट करती है या फिर गाइज उस आपकी एनर्जीज हो सकती हैं ठीक है ठीके? आपको क्लियर कट बात करना पसंद है मदरली केयरिंग नेचर है बट गाइज जब गुस्सा आए तो तब आप माँ माँ काली का रूप धारण कर लेती हो ठीक है ठीके? या कर लेते हो ऑफकोर्स uh, गुस्से में आप लोग आपको पता है कि आपको क्या चाहिए इस रिश्ते में क्या आपको इस पर्सन से चाहिए ठीक है तो आप उसी तरह से रहोगे इनके साथ अगर ये थोड़ा सी भी आपके साथ हो गया कि सिचुएशन में आए तो आप इनके खिलाफ हो जाओगे मुझे ये भी दिख रहा है ठीक है एंड यहाँ पे आप इंट्यूटिव हो सकते हो बहुत ज़्यादा मैंने आपको पहले भी बताया ठीक है आप इंट्यूशन आपकी हाई रहेगी एंड जो भी आपके पर्सन है उनकी भी इंट्यूशन हाई रहेगी आप लोग या आपके पर्सन डॉक्टर हो सकते हो के एंड गाइज ये जो पर्सन है आपको जानते हैं ओके okay? ये आपके एक्स हैं या जो जिस पर्सन के साथ आप अभी डील कर रहे हो ये वो पर्सन है ओके न्यू पर्सन नहीं है बिकॉज यहाँ पे जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है एंड ऑल्सो जजमेंट भी मिलते हुए दिख रही है आपको ठीक है एंड ऑफकोर्स गाइज यूनिवर्स आपके साथ है, angels protect हैं एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हुए दिख रही हैं गाइज मुझे अगर किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन थी किसी पर्सन की तरफ आपको कन्फ्यूजन थी तो गाइज वो कन्फ्यूजन भी आपकी खत्म की जाएगी ठीक है एंड ऑफकोर्स यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है तो पेज की सिचुएशन में हो सकते हैं ये पर्सन अभी अभी नाइट भी नहीं बने हैं तो इसलिए ये अभी स्टूडेंट के सिचुएशन में दिख रहे हैं गई जैन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं बट इनको ये है क्या कि ये आपको कमिटमेंट दें या अपने कैरियर के ऊपर फोकस करें ओके सो इस वजह से आपको लग रहा है कि ये आपको धोखा दे रहे हैं अगर ये आप मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं ठीक है बट उनके माइंड में है कि आप एक तरह से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो ठीक है या yeah, ये पर्सन ये बनना चाहता है बट अभी इसकी सिचुएशन पेज में है और इसको किंग या क्वीन की सिचुएशन में आना है ठीक है क्वीन लाइक गाइज अगर बॉय हो आप ठीक है तो ऑफ कोर्स क्वीन कैसे होता है आपके अंदर फैमिलइन एनर्जीज होती हैं ओके फैमलाइन एनर्जीज हाई होती है लाइक हाई लेवल पे होती है लाइक like कैसे आप बहुत ज़्यादा केयरिंग होगी बहुत ज़्यादा मदरली नेचर लाइक मम्मा के जैसे लाइक like बच्चों का भी ख्याल रखते होगे ठीक है किसी का भी बच्चा हो आपके साथ चुप्पा हो जाता होगा आपके पास आकर सो so, ऐसे कह रही हूँ मैं ओके okay? सो so, बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों बोल रही है मैम एंड ऑफ कोर्स आपके अंदर फैमलाइन नजीस होते हैं ऐसा नहीं कि आप गर्ल्स की तरह हो नो no. uh, आपको कहा कह रही हूँ कि आप मदरली केयरिंग नेचर है आपका केयर करते हो आप बहुत ज्यादा ठीक है एंड हर एक बात जैसे पेरेंट्स हमारी फुलफिल करते हैं विश को वैसे ही आप करने वाले होंगे या जो ये पर्सन आ रहा है ये करेंगे ठीक है आपके लिए टॉरस कैप्रिकॉन मैंने पहले ही बताया वो इम्पोर्टेंट होता है टॉरस आपके लिए इंपॉर्टेंट है लियो आप या आपके पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं ये भी लग रहा है ठीक है लियो टॉरस एंड ऑल्सो लिब्रा सेजिटेरियस ये साइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है सन मून राइजिंग एंड नॉर्थ नॉर्थ में बाकी तो सारे सारे साइंस हैं बट यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जिस बस एक यहाँ और एक मेन कार्ड है आपका एंड विक्ट्री एंड सक्सेस ओके विक्ट्री एंड सक्सेस आ रही है आपके इस में जो भी आपकी लाइफ में पर्सन आ रहे हैं वो विक्ट्री लेकर okay? okay? ये, का ये, ये हो सकता है मैं आपको एक और सिचुएशन बता देती हूँ कि किसी किसी से अगर ये मैच नहीं हुई सिचुएशन तो गाइज ये ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन है उसकी लाइफ में उसको धोखा मिला इन पास्ट ठीक है अब वो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं उसको लव मैरिज नहीं करनी है एंड गाइज आपकी तरफ शादी का रिश्ता आ सकता है ठीक है बस आपको ये करना है कि आपको कोई धोखा ना मिले इस रिश्ते में पास्ट के बारे में जान लेना उस पर्सन के नहीं उसके लाइफ में क्या चला है पास्ट में ठीक है कभी कभी आजकल झूठ बोलकर उसकी मैरिज हुई होती है पर्सन की एंड झूठ बोलकर शादी कर दी जाती है एंड गर्ल को बाद में पता चलता है ठीक है उसकी फैमिली को भी कि यस ये पर्सन पहले मैरिड था डिवोर्स है ठीक है सो ऑफ कोर्स बस इतना सा जानना है या गाइस आपकी लाइफ में कोई न्यू ही पर्सन आएंगे बट उसको पास्ट में धोखा मिला होगा ठीक है मतलब न्यू कैसे है कि येस न्यू नहीं बट यहाँ पे एक्स के एनर्जीज हैं ठीक है बिकॉज यहाँ पे जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है ठीक है या इस पर्सन को आप जानते हो इसलिए ये एक्स हो सकता है लाइक आपकी स्कूल कॉलेज के टाइम के भी ये पर्सन उसत हैं जो आपसे मैरिज करना चाहते हो के यहाँ पे इमोशनल लॉस सीरीज यहाँ पे गाइस पास्ट का ही पर्सन है ये बॉटम ऑफ द डेक देख सकते हो आप रेस्टन रिजनेशन के लिए कहा जा रहा है लाइक like जो भी ये पर्सन है आपके एक्स ही हैं मतलब आपके पास से ही आ रहे हैं आपने बहुत ज्यादा इमोशनल लॉस फील किया इस पर्सन की वजह से मटेरियल हार्वेस्ट ओके ओके बैलेंस यहाँ पे फिर से इलेवन के एनर्जीज आ चुके हैं ऑफकोर्स ट्रेन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो आप लोग वन वन ठीक है लाइक टू ऑफ कप्स का भी कार्ड है ये एनर्जीज में ठीक है सी दिस हार्ट एक एंड लॉस वाउ थ्री ऑफ स्वाट्स का कार्ड है गाइज यहाँ पे इमोशनल लॉस भी, भी आया है दोनों ही कार्ड्स ऐसे ही आए हैं सो so, गाइज यहाँ तो ये पर्सन पास्ट में हर्ट हुआ है एंड आपकी तरफ आया यहाँ गाइज ये सिचुएशन थे इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है ये किसी और के साथ चला गया इसने मैरिज की है ठीक है एंड आपकी तरफ फिर से ये बात मतलब फिर से आ सकते हैं आपकी लाइफ में ठीक है एंड आपसे ब्रेकअप वगैरह करके पहले ठीक है एंड थर्ड गाइस ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं ओके okay? या शादीशुदा हो अगर आप इस पर्सन के साथ तो गाइस ये वही पर्सन है ठीक है जिन्होंने आपको हर्ट किया है आपका दुल दुखाया है ठीक है पास्ट में एंड आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं तो गाइस ट्विन फ्लेम जर्नी ईजी नहीं होती है ठीक है मैंने रीडिंग भी की है अभी दो दिन पहले ट्विन फ्लेम की सो so आप देख सकते हो अपने लिए ट्विन फ्लेम अगर आपसे मैच हो तो बहुत अच्छी बात है पेशेंस एंड प्लानिंग गाइस आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है इस रिश्ते में ओके okay? अगर आपको पूरी रियलिटी जाननी है इस रिश्ते की तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा ओके एंड मटीरियल हार्वेस्ट आते हुए दिख रही है आपकी लाइफ में मनी रिलेटेड इश्यूज नहीं रहेंगे बिकॉज यहाँ पे पेंटिकल्स की भी एनर्जीज है मेन कार्ड में सो so ऑफकोर्स आपकी लाइफ में मनी वाइज कोई कमी नहीं होगी एंड मनी कि ऑफर्स और आएंगे आपकी तरफ लाइक अगर आप कोई फ्रीलेंसर का काम करते हो तो आपकी तरफ और ऑर्डर्स आएंगे ठीक है और, और, और आ, रिक्वेस्ट आ, आ, आ सकती है ठीक है so, सो यहाँ पे प्रोस्पेरिटी भी गेन एज ऑफ पेंटिकल सी दिस मनी गाइस कोई कमी नहीं है मनी की कोई कमी नहीं आते हुए दिख रही जो भी ये पर्सन है अच्छी फैमिली से हो सकते हैं अच्छी लाइफ जीते हैं ठीक है ब्रांडेड क्लॉथ्स पहनते होंगे ये भी दिख रहा है बट यहाँ पे थोड़े ट्रेडिशनल फैमिली से भी दिख रहे हैं आपके पर्सन ओके एंड गाइज भी सुनिए मेरी बात आपको लगता होगा कि मैं कंफ्यूज करती हूँ बट नहीं गाइज एक्से आ रहे हैं आपकी लाइफ में ठीक है ये आपके स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं आपके कोई आ, कोई भी हो सकता है आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं ठीक है स्टूडेंट लाइफ के हो सकते हैं कॉलेज लाइफ के ये पर्सन हो सकते हैं आपको ये पसंद करते हैं ठीक है ये भी लग रहा है बट आ, इन्होंने इनको धोखा मिला है पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस फील किया है ठीक है ये वो पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं कि सो पास से हो सकते हैं आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं ये एंड सोलमेट भी हो सकते हैं एंड आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ मन ही मन लाइक जैसे होते नहीं हिडन ठीक है प्यार क्रश होता है जैसे आप वैसे हो सकते हो पास में बट इसने किसी न किसी रिलेशनशिप पे आई ये पर्सन एंड इमोशनल लॉस फील किया है इन्होंने इनका हार्ट ब्रेक किया गया है सो so, इस वजह से ये आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर में ठीक है बट क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही है कि हु इज़ कमिंग योर लाइफ ओके या अगर ये सिचुएशन होती है कि आप मैरिड थे किसी पर्सन के साथ बट उसने धोखा दिया है आपको कन्फ्यूज़न में रखा आपको नहीं बताया रियलिटी क्या है ठीक है एंड ये डॉक्टर हो सकते हैं कोई भी पर्सन हो सकते हैं ठीक है डॉक्टर हो, हो, so हो सकते हो आप लोग या आपके पर्सन सो मेडिकल के स्टूडेंट हो सकते हो ठीक है ये भी हो सकता है एंड ये पर्सन गाइज आपसे अगर मैरिड थे पहले ही तो ऑफ कोर्स आपकी फैमिली में बहुत खुशियाँ थी एंड खुशियाँ चाहते हैं आप ये पर्सन ठीक है आपके साथ प्यार चाहते हैं अगर आपको इस पर्सन ने धोखा दिया थर्ड पार्टी में डालकर तो अभी उस सिचुएशन को सुधारना चाहते हैं अपनी ठीक है अपने, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ठीक है सो गाइस यहाँ से देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए सो गाइस लास्ट में हम ये भी देख लेंगे कि ये कौन पर्सन है कब तक आ सकते हैं ठीक है थीके? सर्विस काइज ये पर्सन जो है सर्विस है यहाँ पे तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई सर्विस में होंगे एंड uh, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है लिव एक्स्ट्राडनरी वेल लाइफ लिव अ फुलफिलिंग लाइफ दिस इज योर सर्विस आपको कहा जा रहा है अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आए तो अच्छी बात है अगर नहीं भी आए तो भी अच्छी बात है सर्विस के ऊपर फोकस करिए अपनी लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डनरीली ठीक है जीना स्टार्ट करिए एंड फुलफिलिंग तौर के ऊपर जिए अपनी लाइफ को ठीक है आपकी लाइफ फुलफिलिंग की तरफ ही जीना ही चाहिए लाइक like, सॉरी आपको अपने लाइफ को पूरी तरह से जीना चाहिए ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा घुट घुट कर जी रहे हो कि यस जीनी तो है काटनी ही है जिंदगी इसलिए आए हैं हम ऐसा नहीं है आपको अपनी लाइफ को फुली गाइस जीना है ठीक है इंजॉय करना है अपनी लाइफ में एंड यही आपकी सर्विस है ठीक है यूनिवर्स ने आपको इसीलिए भेजा कि एन्जॉय करिए गाइज अपनी लाइफ में एंड अपने थॉट्स को प्योर रखिएगा अपनी माइंड को प्योर रखना है अपनी थिंकिंग को प्योर रखना है ठीक है ज़्यादा सोचना नहीं है ओवर थिंकिंग नहीं करनी है किसी चीज़ के बारे में रिसोर्सफुलनेस सी दिस मनी की कोई कमी नहीं दिख रही है आने वाले टाइम में कुछ भी आ रहा है कोई भी पर्सन आ रहा है ये बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज हैं इसके पास सब कुछ है ठीक है एंड आई डोंट नो वाई मैंने आइस क्लोज की राजा महाराजा होते हैं ना जैसे uh, आई डोंट नो वाई बट ये पर्सन थोड़े से लाइक राज्य मतलब कहते हैं ना जैसे राजसी राज है ठीक है कोई फैमिली हो सकती है ठीक है हिस्टोरिकली कोई इनकी कोई हिस्ट्री से रिलेटेड या कोई अच्छी फैमिली से लाइक like, जैसे यू पी एस सी पी सी एस एग्जाम्स क्लियर किए हूँ इनकी फैमिली में बहुत लोगों ने ठीक है ऐसी कुछ फैमिली हो सकती है ये जहाँ से आपके लिए ये पर्सन आ रहे हैं ठीक है थीके? कोई भी हो सकता है आपके लिए रिश्ता भी आ सकता है ऐसी फैमिली में से सो गाइज़ गॉड ब्लेस यू अगर मेरी ये बात सच होती है तो बहुत अच्छी बात है ठीक है आपकी मनोकामना पूरी हो एंड मैं यही चाहूँगी कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं वो अच्छे रहें एंड अगर अभी तक आप मेरी फैमिली में नहीं हो गाइज तो ऑफकोर्स आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को के कंसेप्शन गाइज आपको कहा जाए कॉपरेट करिए अपने लोगों के साथ अपने वर्ड्स के ऊपर ठीक है कंसेप्ट नहीं बनाइए ठीक कंसेप्शन के ऊपर फो, फोकस करिए ऑल आर इक्वली रिस्पेक्टेड सो गाइज सभी के रिस्पेक्ट करिए ओके एंड लास्ट में गाइज मैंने आपको बोला था कि हम देखेंगे कि कब तक आएंगे आपके पर्सन जो भी ये पर्सन है आपकी लाइफ में कब तक आएंगे ओके आपकी लाइफ में ये पर्सन कब तक आएंगे गाइज आपकी लाइफ में ये पर्सन ओके थ्री ऑफ पेंटिकल्स गाइज ये पर्सन जब मुझे ऐसा लग रहा है थ्री वीक्स में आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं या थ्री डेज भी हो सकता है फोर डेज एंड फोर वीक्स थ्री डेज फोर डेज एंड थ्री वीक्स फोर वीक्स ओके एंड ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंजूज होने वाले हैं ठीक है लाइक like, uh, थोड़े से लाइक बिजनेस ओ वाओ फोर ऑफ वांट्स अगेन गाइज जो भी ये पर्सन है आपसे मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ अपनी लाइफ देख रहे हैं अपनी आगे आने वाले टाइम में ओके okay? आपके साथ थ्री डेज फोर डेज में आपकी लाइफ में ऐसा देखें फोर फोर की एनर्जीज आई हैं एंजल्स आपके इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं ठीक है आप यहाँ पे अगेन सन कार्ड है गाइज बॉटम से सीरियस सन कार्ड इज हेअर सीरियस सो ऑफ़ कोर्स सीरियसली लाइक गाइज फोर ऑफ ऑन सन कार्ड आना कोई आम बात नहीं है आपकी रीडिंग में आया है टन ऑफ कप्स फ्रेंड मैरिज रिलेटेड कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं मैरिज के रिश्ते आ रहे हैं ठीक है आपकी लाइफ में सो हैप्पी हो जाइए गाइज जल्दी जल्दी ठीक है आपने वो बहुत वेट किया है मुझे लग रहा है शादी के लिए तो ऑफकोर्स आपकी जो भी फैमिली से पर्सन आ रहे हैं मैरिज के लिए बस आपको थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करना है कि आपको धोखा ना दिया जाए बस और कुछ नहीं करना ठीक है अपने पेंटिकल्स के ऊपर फोकस करिए अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करिए जब शादी होने हो जानी है ठीक है एंड बहुत अच्छी फैमिली से आपके लिए रिश्ता आता हुआ दिख रहा है ठीक है मैं ये देख रही हूँ सो गाइज हम रीडिंग तो कर रहे थे हु इज़ कमिंग योर लाइफ एंड यहाँ शादी का दिख रहा है ठीक है प्रोसेस सो गाइज़ कंग्रेचुलेशन अगर हो आपकी मैरिज सो लाइक दिस वीडियो गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो एंड कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी आपको रीडिंग गाइज़ एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे हो एंड आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो वहाँ पे डीएम कर सकते हो ओके एंड वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो गाइज़ एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो एंड आपको रीडिंग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो मैं यहाँ भी आपको बता दूंगी ठीक है सो so, गाइज़ अभी के लिए इतना ही हर्ष महादेव राधे राधे बाय हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स वेलकम टू माय चैनल पीपल टेरू सो गाइस कैसे हो आप सब लोग आई होप आप सब लोग भी अच्छे हो गए सो फाइल टू सो गाइस देख लेते हैं आपकी रीडिंग में क्या आएगा गाइस आपकी लाइफ में कौन आ रहा है आपके एक्स या नेक्स्ट या न्यू या ओल्ड जी एफ पी एफ ठीक है सो so, कोई भी हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं ओके सो फर्स्ट फाइल में तो ऐसे ही आया था ठीक है डिफरेंट सी रीडिंग आ गई थी सो so, जो भी आया मैंने आपको बताया ठीक है सो so, यहाँ पे एन भी आया है गाइज एंड टेज जो भी रीडिंग में आता है ना मैं वही बताऊंगी आपको चाहे उस रीडिंग से एक्स्ट्रा भी हो अगर आपकी रीडिंग करी और मुझे कैरियर के मैसेज आना स्टार्ट हो गए तो मैं गाइज मेरी ट्यूशन जहाँ भी जाएगी मैं आपको वही बताऊंगी ओके चाहे वो मैरिज की रीडिंग है अगर आपके कैरियर के मैसेज आकर मैं वही बता दूंगी बिकॉज मुझे जो मेरी इंट्यूशन बताएगी गाइस मैं वही बताऊंगी उसके अलावा मैं नहीं बताऊंगी ठीक है एंड मैं बिटरिंग बटरिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ कि यस ऐसा होगा वैसा होगा कुछ पूछू ठीक है सो so, आप अगर आपको रीडिंग पसंद आई आती है तो तभी लाइक करिएगा ओके एंड ऑफ कोर्स जिन्होंने मुझे फॉलो किया है सब्सक्राइब किया तो बहुत अच्छी बात है थैंक यू सो मच गाइस लॉट्स ऑफ लव टू यू एवरीवन आई डोंट नो व्हाई सेकंड पार्ल में मैं ऐसा बोल रही हूँ ठीक है फर्स्ट पार्ल में मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है बट शायद आपको सुनना ज़रूरी था शायद इसीलिए ठीक है सो इट्स ओके गाइज मैं डांट नहीं रही हूँ बट यस रियलिटी है जो वही बतानी चाहिए uh, कुछ लोग ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें करके पोचू पोचू क्योंकि मेरी रीडिंग में अच्छी अच्छी बातें ही आती हैं ठीक है अच्छे अच्छे मैसेजेस ही आते हैं, हैं। जहाँ पे नेगेटिव बात आ गई गाइस मैं वो भी बता दूंगी कि आपको धोखा मिला है या आपको ऐसे चीट किया किसी ने या कोई चीट करने वाला है ठीक है सो ऐसा कुछ होगा तो ऑफकोर्स मैं बता दूंगी चाहे आपको टेंशन हो चाहे ना हो क्योंकि यो मेरी इंट्यूशन बताएगी मैं आपके सामने वो रख दूंगी ओके एंड आपके विषय आपको उसको लेना है या नहीं मैसेज को एंड अगर आपसे रेजोनेट हो गई तो ऑफकोर्स वो चीज़ आपसे हुई होगी पास्ट में या फ्यूचर में हो सकती है ठीक है सो एक बार आई डोंट नो वाई बट एक रीडिंग में ना मैंने आ, आपको मैं बता ही देती हूँ एक रीडिंग में मैंने आ, बहुत देर हो गई आई थिंक थ्री फोर थ्री मंथ्स पहले मेरे चैनल को अभी सिक्स मंथ्स ही हुए हैं बट येस एक दिन मैंने आई थिंक थ्री मंथ्स पहले शायद फोर मंथ्स मैंने डेथ के बारे में बताया रीडिंग में कि शायद आपकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है ठीक है मैंने ऐसा कुछ बोला तो एक दो लोग आए एंड उन्होंने मुझे बोला कि आप डैथ के बारे में मत बताओ इट्स ओके यस नेगेटिविटी नहीं बतानी चाहिए पॉजिटिविटी ही बतानी चाहिए कि सो दैट आप मोटिवेट हो बट गाइज टैरो रीडिंग्स का मतलब क्या है कि आपको रियलिटी बताई जाए ओके आई डोंट नो वाई यूट्यूब पे ऐसा क्यों है लोग सारा कुछ दिन पॉजिटिव पॉजिटिव ही बोलते रहते हैं आप लोगों को और नेगेटिव कुछ बताते ही नहीं है, ओके okay? एंड शायद आपके लिए ये मैसेज सुनना इम्पॉर्टेंट था तभी लो आप लोग सुन रहे हो ये मैसेज को ओके okay? एंड मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा मैं बोलूँगी ऐसा कुछ बट यस मेरे माइंड में आया तो मैंने बोला ठीक है शायद आपको सुनने की ज़रूरत थी ये सब चीज़ें कि टैरो रीडिंग्स ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव गाइड करें ओके okay? आपको अच्छी अच्छी चीज़ों की तरफ लेकर जाएं बिकॉज़ मेरी लाइफ में मैंने टैरो कार्ड्स जब यूज़ किए हैं ओके okay? तो मुझे पता है मैंने मेरी लाइफ में देखा है जब कोई पर्सन ना बीमार हुआ है मेरी लाइफ मेरी में मेरी फैमिली में जैसे हुए ठीक है अभी डेथ्स हुई हैं मम्मा का मम्मा के बारे में मैंने नहीं सोचा है बट यस जब मेरे फैमिली में मेरे किसी पर्सन की डेथ हुई थी ठीक है तो मैंने उनकी रीडिंग की हॉस्पिटल में थे वो ठीक है सीरियस थे बहुत ज़्यादा बट मैंने उनकी रीडिंग कर ली कि यस उनकी आने वाले टाइम में एनर्जीज क्या होती हैं एंड डेथ का कार्ड आएगा इस सीधा डेथ ठीक है डेथ का कार्ड एंड डेवल कार्ड ऐसी चीज़ें आई टेन ऑफ स्वॉर्ड्स ओके सो so, मुझे ना अंदर से फ़ील हुआ यार कुछ नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है ऐसा है ना हमारी फैमिली का मेंबर है नहीं जाना चाहिए है ना ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ बट गाइस उस रीडिंग में जो आया मुझे ऐसा लगा कि यस ये रियलिटी है ठीक है मैं जब अपने ऊपर इतना ज़्यादा बोझ समझ ही नहीं रही हूँ आपको भी नहीं सोचना चाहिए ये सब चीज़ें ज़्यादा बट यस जो रियलिटी है वही बताऊँगी मैं यहाँ पर ओके okay, कोई बटरिंग नहीं कोई स्वीट ऐसा मैं आपको ऐसे नहीं कि गुलाब जामुन पकड़ी आपके फेस में मुंह में डाल दी ठीक है रसगुल्ला पकड़ा और डाल दिया ठीक है कि आप लोग खुश हो गए कि यह सब में स्वीट्स मिल गई ठीक है मीठा मीठा कुछ बोल दिया ठीक है सो जो भी है रियलिटी होनी चाहिए चाहे यूट्यूब है चाहे मैं आपकी पेड रीडिंग्स करती हूँ मैं सबको सच बोलती हूँ ठीक है जिन जिनके भी की है उनको पूछ लो मैंने जो आया रीडिंग में वही बताया है उनको चाहे लड़ाई झगड़ा हो चाहे कुछ भी हो ठीक है अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हो रीडिंग ठीक है मैं इंस्टाग्राम पे डी कर सकते हो एंड ऑल्सो गाइज अबाउट सेक्शन में होगा या डिस्क्रिप्शन में लिखी होगी मैंने लिंक दिया होगा ओके एंड कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो ठीक है एनी वेज गाइज आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं अभी ठीक है अगर आपके डेट ऑफ बर्थ इनमें से आते हैं ठीक है तो आपने पिक कर ही लिए होंगे इंट्रो में सुनकर अगर आप इंट्रो नहीं सुनते हो तो वो भी सुन लिया कि जो एक मिनट या डेढ़ मिनट की होती है ठीक है सो so, mm -hmm. यहाँ पे एन वे कार्ड है गाइजो ओके एन वे आया है फो सेकेंड पायल के लिए मतलब मैंने शफल किया और जो भी कार्ड्स आए मैंने वही पिक किए ठीक है एंड यहाँ पे गाइज एन वे का कार्ड आया है ये वो पर्सन है गाइज़ जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है जिसने आपको धोखा दिया है ठीक है पास्ट में या फिर गाइज आपको बहुत सारे धोखे मिले हैं लाइफ में ठीक है पास्ट में बहुत सारा दुख दर्द आपने देखा है झेला है ठीक है सेकेंड पायल एंड आपको लग रहा है कि आपको कब जस्टिस मिलेगा ठीक है आपको जस्टिस कब मिलेगा एंड गाइज अभी आपकी लाइफ में ना आपको रोशनी की तरफ लेकर जाया जाएगा और जो भी ये पर्सन आएगा बहुत खुशमा लेकर आएगा आपकी लाइफ में सन की एनर्जीज होंगी इस पर्सन में आपके लिए ओके okay? एंड जो पर्सन आपकी लाइफ में अभी है वो आपको सन की एनर्जीज दे रहे हैं ओके एंड यहाँ पे जो आप ब्लैकनेस में डार्क में हो ना उससे आपको निकालने के लिए पर्सन आया है आपकी लाइफ में ओके okay? लेकिन like, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में राहु की महादशा चल रही है और आप में बहुत सारे दुख दर्द झेल रहे हो आप लोग अपनी लाइफ में ओके okay? एंड आपको कहा जा रहा है कि इट्स तो, ओके okay, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहे हैं जो आपकी लाइफ को खुशियों से भरने वाले हैं आपको ये दुख दर्द भी छोटे लगने लग जाएंगे ओके एंड आई डोंट नो वाई मैं आप ये क्यों बता रही हूँ बट यस ये मैसेजेस आपके लिए थे तो ऑफकोर्स बताने चाहिए ठीक है हर एक चीज़ को बताना चाहिए यहाँ पर सो so, यहां पे गाइस क्या आया है फाइव ऑफ बॉन्ड्स ओके सो गाइज इस जनरल रीडिंग ओपन ऑल्सोपन आपसे रेजोनेट हो भी सकते हो और नहीं या आपसे दस परसेंट भी रेजोनेट है बहुत अच्छी बात है गाइस सभी लोग देखेंगे ठीक है किसी ना किस से, किसी किस से किसी किसी से फुल ही रेजोनेट हो सकती है किसी किससे एट्टी परसेंट किसी किससे हंड्रेड परसेंट किसी से फिफ्टी परसेंट ओके सेवेंटी परसेंट ऐसे होता है ठीक है एंड सिक्स ऑफ

एंड ये पर्सन सीरिज माइनर और कहना है ये सन का ओके एंड सन का माइनर और कहाना आ चुका है आपके लिए नाइन ऑफ सॉट्स सेवन ऑफ कप्स सेवन सेवन की एनर्जीज है यहाँ पे सीरीस सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ कप्स सो सेवन सेवन एंड सिक्स सिक्स नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वीन एंड सॉरी एमप्रेस टू ऑफ वनस ओके मिडिल इनर्जिस क्या है गाइज आपकी जो भी ये पर्सन आ रहे हैं उनके लिए फोर ऑफ पेंटिकल्स सो so गाई जी जो भी पर्सन है ये ना कंफर्टेबल सिचुएशन में रहना पसंद करते हैं ओके okay? इनको लाइक बहुत सारा रिस्क लेना पसंद नहीं है एंड आप इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हो ठीक है लाइक आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है ठीक है आप जिससे सैड हो मैंने आपको बताया भी कि या तो आप लोग कोई आपकी लाइफ में फुल अंधेरा है आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है ठीक है कोई आपको लग नहीं रहा कि आपकी लाइफ में कुछ होगा भी आगे आने वाले टाइम में फाइव ऑफ वर्न है आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं फैमिली में ठीक है आपके स्पाउस से हो सकते हैं आपकी लाइफ में आपकी फैमिली से हो सकते हैं ठीक है थीके? जो भी हो रहा हो एंड टावर मोमेंट चल रही है आपकी लाइफ में एंड ये पर्सन वाइज जो आ रहे हैं बहुत ज़्यादा फायरी नेचर के हो सकते हैं ठीक है आपके ऊपर पूरी नज़र बनाए हुए हैं ये पर्सन एंड ऑल्सो आपकी एनर्जीज हो सकती हैं ये ठीक है वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकती है ये या तो आप उनकी लाइफ में रोशनी लेकर जाओगे ठीक है या वो पर्सन आपकी लाइफ में रोशनी लेकर आ रहे हैं आपको रोशनी की तरफ लेकर जा रहे हैं नेगेटिविटी से आपका रिश्ता खत्म कर देने वाले हैं ये पर्सन ओके एंड चैरियट है यहाँ पे ऑफ कोर्स आपके साथ ट्रैवलिंग करते हुए दिख रहे हैं आने वाले टाइम में या आपकी तरफ आ सकते हैं ट्रैवलिंग करके ठीक है अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग करते हुए दिख रहे हैं अगर शॉर्ट है तब भी गाइज ओके ऑफकोर्स दोनों ही डिफरेंट कास्ट रिलीजन से दिख रहे हो आप लोग ठीक है एंड विक्ट्री चाहते हो इस रिश्ते में इस रिश्ते रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो बट अभी तो आपकी सिचुएशन गाइज कुछ और ही दिख रही है टावर मोमेंट चल रही है आपकी या उनकी लाइफ में ओके या दोनों की ही लाइफ में लड़ाई झगड़े फैमिलीज में दिख रहे हैं या तो आप लोग शादी करना चाहते हो उसकी वजह से भी हो सकता है घर में आपने बात की हो ठीक है तो ये वही पर्सन हो सकते हैं बिकॉज़ यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी में इक्वल इवेंट एक दिख रहा है यहाँ पर दोनों की तरफ से दोनों ही प्यार करते हो एक दूसरे से ठीक है एंड ये वही पर्सन है जो जिस जिनके साथ आप अभी हो ठीक है एक्स नहीं है ये आपके अभी के पर्सन है ठीक है एंड एस ऑफ पेंटिकल ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में जो भी ये पर्सन आ रहे हैं मनी की ब्लसिंग्स आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में मनी अबंडस क्रिएट होगी ठीक है आप न्यू न्यू कोई ना कोई वेंचर्स स्टार्ट कर सकते हो ठीक है न्यू न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो कोई ना कोई जिसमें आपको ब्लसिंग्स मिलेंगी एंड जो भी ये टावमेंट आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में दोनों ही वैसा वैसा खत्म कर दोगे ठीक है एंड ऑफ कोर्स थोड़ा राहत मिलेगी आपको या उनको बिकॉज यहाँ पे नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है तो टेंशन दिख रही है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी ओके एंड सी दिस विजडम ये बहुत सारा पर्सन जो भी पर्सन ट्रेडिशनल फैमिली सोचते हैं हेरफ एंड कार्ड है गाइज ओके okay? आप दोनों ही फैमिली बनाना चाहते हो मैरिज करना चाहते हो और आपकी लाइफ में पर्सन आ सकते हैं गाइज जो भी कि आपकी हेल्प कर सकते हैं ओके एंड जो आपके पर्सन है बहुत ज्यादा उनके पास विजडम हो सकती है ठीक है जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं आपके साथ एंड अपना थ्रोट चक्र थर्ड आई चक्र ओपन करेंगे ओके okay? ये पर्सन एंड थर्ड आई चक्र गाइज आपके पर्सन का ओपन होता हुआ अभी दिख रहा है यहाँ पे फॉर्म फाउंडेशन गाइज ओके यहाँ से और क्या आ रहा है आपके लिए आपके लिए गाइज ट्वेंटी डेट टू डेट इम्पॉर्टेंट होती है ठीक है या इस फ़रवरी मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है मई एंड जून मंथ ओके एंड ऑल्सो अप्रैल मार्च फ़रवरी एंड जनवरी ठीक है ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सो so, किसी ने मुझे बोला कि यस आप मंथ्स भी बताया करिए सो ऑफ़ कोर्स इसीलिए मैं बता रही हूँ आपकी डेट ऑफ बर्थ ठीक है एंड बॉटम ऑफ द डेक इज फर्म फाउंडेशन अचीवमेंट सी दिस विजडम एंड टेन ऑफ कप्स हैरोफेंट एंड एन ऑफ कप्स अगर आप फर्स्ट ट्रायल देखोगे ना पहले देख लेना झलक देख लेना वहाँ की ठीक है बस अगर आपको पूरी रीडिंग नहीं देखनी आपके पास टाइम नहीं है तो यहाँ पर थोड़ी नज़र डालना आपकी ये दो कार्ड्स के ऊपर यहाँ पे हैरोफेंट है ये यहाँ पर हैरोफेंट आ चुका है यहाँ पे टेन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे टेन ऑफ कप्स है वहाँ पे ठीक है सो रीडिंग थोड़ी थोड़ी सी मैच होते हुए दिख रही है बट यस दो मैसेजेस मैचिंग है ऑफ़ कोर्स आपकी लाइफ में जो पर्सन आ रहा है गाइस मैरिज हो सकती है उसके उस पर्सन के साथ आपकी एंड मैरिज की वजह के लिए ही आप दोनों में इमोशनल लॉस फील हो रहा है ठीक है लाइक कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हुआ, हुआ लाइफ फैमिली में, में सेक्रीफाइस दिख रहा है यहाँ पर आपको मैं बता रही थी ना आपने लाइफ में बहुत कुछ झेला है सेक्रीफाइस किया है आपने बट आपको जजमेंट मिलेगी अब अब आपको जस्टिस मिलेगा इस चीज़ के लिए ठीक है आपकी फॉर्म फाउंडेशन क्रिएट की जाएगी आपकी तरफ से ही आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे आपको ब्लैक से रोशनी की तरफ लेकर जाएंगे ओके का कालेपन से आपको डार्कनेस से बाहर निकालेंगे लाइट की तरफ लेकर जाएंगे ओके एंड थर्ड आई चक्र आपका ओपन होगा यहाँ गाइज आपके पर्सन का इंट्यूशन बहुत हाई होने वाली हो के उनकी या आपकी सो so आपको पता होगा किन की हो रही है ठीक है बिकॉज यहाँ पे जो मैसेज आएंगे मैं आपको वही बताऊंगी ठीक है एंड यहाँ पे वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं ये जो भी पर्सन है या फैमिली में अगर कोई इशू चल रहा है ठीक है आपकी लाइफ में फैमिली में इशू चल रहा है इमोशनल लॉस फील कर रहे हो ठीक है आप लोग सेक्रीफाइज कर रहे हो आप इस रिश्ते को सेक्रीफाइस कर रहे हो ठीक है आपको गाजरेट्स होके आपको जस्टिस दिया जाएगा आपको इस रिश्ते में फिर से लाया जाएगा मैरिज तक इस रिश्ते को लेकर जाया जाएगा ओके सो फॉर्म फाउंडेशन क्रिएट करनी पड़ेगी आपको ठीक है ये बेसिक है आपका ठीक है आपको फॉर्म फाउंडेशन क्रिएट करनी पड़ेगी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सो so, ऑफकोर्स आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो अपने पर्सन को सबके साथ ठीक है एंड ये सब चीज़ें हो सकती हैं सो so दैट आपकी लाइफ में जो भी आपके पर्सन है ठीक है वो आपको माने कि यस इस पर्सन ने मुझे कमिटेड कमिटमेंट दे दी है ठीक है सो आपके ही बनकर रहे एंड फुलफिलमेंट गाइज एंगेज योर सेल्फ फुली देर आर नो सेकेंड चांस सी दिस कोई सेकेंड चांस नहीं मिलता है गाइज किसी भी चाहे रिश्ते में हो चाहे कुछ भी हो इंगेज करिए अपने आप को फुली उस रिश्ते में ठीक है अगर आप बहुत ज़्यादा दूरी बनाते हो अपने पर्सन से या गाइज वो बनाते हैं या गाइज लाइक आपने उनको कमिटमेंट नहीं दी है तो ऑफकोर्स वो पर्सन आपसे दूरी बनाएंगे ठीक है या आप उसको पर्सन को सीधा ही कह दो कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता और आप लोग मेरे साथ बस बातें करो तो गाइज़ वो पर्सन क्या करेगा आपके साथ ठीक है रहकर उसको पता है कि आपके से उनकी शादी नहीं होगी तो ऑफ़कोर्स वो आपसे दूर ही रहेगा उनको उनको पता है कि जिससे हम उनकी फ़ैमिली करेंगे या जो वो चाहते हैं उनसे होगी तो ऑफ़कोर्स गाइज़ वो आपके साथ क्यों रहेंगे ठीक है सो ऑफकोर्स यही लग यही इशू है कि कमिटमेंट नहीं मिल रही है आपको ये लग रहा है या आपकी शादी नहीं हो रही है तो ऑफ़कोर्स गाइज हैरोफेंट का कार्ड है ट्रेडिशनल फैमिली से होंगे पर्सन आपके टेन ऑफ कप से तो कोर्स महारिज की तरफ ही दिख रहा है इमेजिनेशन चल रही हैं अभी ठीक है रेजोविनेशन ओके एप्रिसिएशन गाइज जो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है ये आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं आपको कहा जा रहा है अपने आपको रेजोमिनेट करो ठीक है अपने आपको रेस्ट करवाओ ठीक है एंड आपको अप्रिशिएट किया जाएगा इस पर्सन की तरफ से एंड ऑल्सो फुलफिलमेंट ऑफ़ योर विशेष ठीक है अपने आप को इंगेज कर दीजिए इस रिश्ते हैं ठीक है अगर आपको लग रहा है कि यस आपकी लाइफ में ये पर्सन इंपॉर्टेंट है एंड कॉन्फिडेंस बना के रखिए ठीक है अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस बनाओगे अगर उस पर्सन के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो ऑफकोर्स आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि यस ये पर्सन मेरे लिए है ठीक है स्टॉप बिलीविंग योर डाउट्स सो अपने डाउट्स के ऊपर बिलीव करना बंद करिए ठीक है एंड यहाँ पे गई लास्ट में मैंने आपको कहा था कि बोला था कि देखेंगे आपकी लाइफ में ये पर्सन आ रहे हैं कब तक आ सकते हैं आपकी लाइफ में आपने जितने भी सेक्रीफाइसेस किए हैं गाइस उन सेक्रीफाइस का आपको रिजल्ट मिलने वाला है ठीक है एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स पेज ऑफ स्वॉर्ड्स था कोई पर्सन आपको चेक कर रहे हैं ये वही पर्सन हो सकते हैं या जिसकी पर्सन की लाइफ में या फैमिली में टावर मूवमेंट आ रही है ये वो पर्सन हो सकते हैं ओके सो देख लेते हैं गाइज कौन है ये पर्सन डेथ ट्रांसफॉर्मेशन ओके चेंज आ रहा है गाइज आपकी लाइफ में ठीक है कोई ना कोई आपकी फैमिली में कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है ठीक है कुछ ना कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में सो so, उस वजह से भी आप इमोशनल लॉस फील कर रहे हो ठीक है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे ओके पेंटिकल्स गाइज आपकी लाइफ में आ रहे हैं ठीक है पेंट सिक्स डेज में आपकी लाइफ में ये पर्सन आते हैं मदर ऑफ स्वाड्स गाइज मैं आपको बता दूँ ये पर्सन आपकी लाइफ में सिक्स डेज एट डेज या गाइज वन वीक में ठीक है वो सिक्स डेज वन वीक एंड एट डेज में आपकी लाइफ में ये पर्सन आते हैं यहाँ गाइज सिक्स मंथ्स तक भी हो सकता है ठीक है जो भी आपकी लाइफ में जो पर्सन आने वाले हैं ठीक है थीके? जो मैरिज से कि रिलेटेड आने वाले हैं अगर आपकी लाइफ में अभी आपने कुछ नहीं सोचा मैरिज का तो ऑफकोर्स आप सिक्स मंथ्स रुक सकते हो ओके okay? अगर आपको लगता है कि येस आप सिक्स मंथ्स नहीं रुक सकते हो तो ऑफकोर्स आपकी लाइफ में सिक्स डेज सेवन डेज और एट डेज यहाँ गाइज आप लोग सिक्स वीक्स भी ले सकते हो ठीक है ये हो सकता है बॉटम ऑफ दिक्स की एनर्जीज़ आई हैं एनर्जीज आपके लिए आए हैं तो कोर्स सेवन सेवन की भी एनर्जीज थी यहाँ पे ठीक पेंटिकल्स है एंड oh यहाँ पे सिक्स ऑफ बॉन्ड है इक्वल गेवेंट टेक होता हुआ दिख रहा है गाइस आप दोनों में ठीक है जो कि ये पर्सन है आपसे आपको अप्रिशिएट करने वाले आने वाले टाइम में आपको रेस्ट करने के लिए भी बोला जा रहा है कि आप अपने आप को रिजुमिनेट करिए सो दैट आप इस पर्सन के साथ चिटचैट कर पाओ ठीक है सो ऑफकोर्स फुलफिल की जा रही है आपकी ऑल विशेष ठीक है फुलफिलिंग होगा ये रिश्ता ठीक है जो आपको फुलफिल कर पाए ठीक है सो so, आपकी हर एक विश को आपको टाइम दे पाए ठीक है सो so, गाइज अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए रीडिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को बेल आइकन को दबा लीजिए गाइज एंड अगर आप न्यू हो चाहे पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऑफ़ कोर्स हमारी फैमिली का मेम्बर बन जाइए सो दैट हमारी फैमिली और बड़ी हो जाए ठीक है एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हो वहाँ पे डी कर सकते हो अगर आपको पेड रीडिंग्स चाहिए ओके okay? सो so अभी के लिए इतना ही हर हर महादेव राधे राधे बाय